नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे के चैनल टेक्निक इंडिया में। दोस्तों आज ट्राइकर नियम लागू होने का पहला दिन अभी ख़त्म होने को आया है, लेकिन दोस्तों अभी तक जो आज के दिन में क्या क्या अपडेट आए हैं, क्या क्या डिटेल्स कंपनी के साइट में होगा या पैकेजेस में होगा, क्या क्या बदलाव हुए, बहुत सारे लोगों के आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने आज के दिन में देखा। तो उसके ऊपर दोस्तों आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ कि सारे अपडेट के बारे में आज के दिन में क्या क्या अपडेट हुए, तो सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वे वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि क्या क्या अभी तक अपडेट आए हैं ट्राई के नए नियम के बाद। तो हम लोग यहाँ पे पहला वाला बात करेंगे दोस्तों अपडेट की। तो पहला अपडेट ये है दोस्तों कि सारे डिटेल्स कंपनी की साइट बहुत सारे हैंग हो रहे हैं। तो अभी आप जाके दोस्तों अपने किसी भी डिटेल्स कंपनी के साइट पे जाके आप अलग अलग पैकेज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा स्लो देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे मेरा नेट नहीं चल रहा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सारे डिटेल्स कंपनी के साइट बहुत सारे स्लो चल रहे हैं। वीडियोकॉन डिटेल्स की बात करें दोस्तों तो वीडियोकॉन डिटेल्स की साइट ओपन ही नहीं हो रही है। इस तरह से उनका तो हर रोज का ही पंगा रहता है दोस्तों, वीडियोकॉन डिटेल्स का साइट कभी का ढंग का चलता ही नहीं है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एयरटेल का, तो एयरटेल में क्या अपडेट हुआ है और टाटा स्काई में क्या अपडेट हुआ है और डिस्टिवे में क्या अपडेट हुआ है। जैसे कि दोस्तों पहली बात यह है कि जो पुराने वाले पैकेज आपको दिखाई देते थे दोस्तों आपको टाटा स्काई एयरटेल डिश टीवी में, तो वो पैकेजेस को उन्होंने हटा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों ये है अभी डिश टीवी के साइट, तो डिश टीवी के साइट में हम लोग यहाँ पे पैकेज एंड चैनल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप टूल का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब आपको पैकेज बनाने के लिए यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है। लेकिन जो पैकेजेस पहले थे जैसे कि आपको अलग अलग पॉपुलर पैकेज डिश टीवी की तरफ से लाए जाते थे आपको बेस्ट पैकेज में, वो आपको अभी यहाँ से हटा दिया है। दूसरी बात करें दोस्तों टाटा स्काई की, तो टाटा स्काई ने भी अपने बेस्ट पैकेजेस को हटा दिया है। तो आप देख सकते हो जैसे कि हम लोग पहले पैक में जाते थे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल नीचे पूरी लिस्ट आ जाती थी पैकेज की, तो अभी वहाँ से हटा दिया है। तो सीधा आप इस पे पैक पे प्रेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक पीडीएफ डाले हुए दिखाई देंगे, तो ये जो एफटीए चैनल्स की बेसिक पीडीएफ है वो आपको दिखाई देगी, अलाकार्ट चैनल्स की पीडीएफ आपको दिखाई देगी, ब्रॉडकास्टर पैक की पीडीएफ देगी और टाटा स्काई के खुद के पैकेजेस है उसका पीडीएफ देगी। लेकिन अभी आपको पहले वाले जैसे कि धमाका पैक आता था, स्पोर्ट धमाका पैक आता था, किड्स का पैक आता था, वो सब यहाँ से हटा दिए हैं। तो ये आज के ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। और बाद में एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का ने भी अपने सारे पैकेजेस को हटा दिया है। तो आप देखेंगे ये एयरटेल की साइट में आया हूँ तो अभी मैं बेस्ट पैकेजेस में जाता हूँ और मुझे क्या देखने को मिलता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एयरटेल ने भी दोस्तों इसको हटा दिया है पूरी तरह से, जो उनके पहले वाले पैकेज थे उसको हटा दिया है। तो अभी आप जाके देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे कि बेस पैकेज में गया दोस्तों, जाने के बाद मुझे यहाँ पे लोडिंग होने के लिए कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि ये साइट भी थोड़ा हैंग हो रहा है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि आप बेस पैकेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर कॉर्नर का एक ऑप्शन दिखाई देगा और नीचे दोस्तों आपको सारी यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाई देंगी सारे डिटेल्स कंपनी के। उसी तरह से उन्होंने एयरटेल ने भी उस तरह से अपने पीडीएफ डाला है, मतलब अभी तक उनने अपने जो बेस पैकेजेस है वो अच्छी तरह से पुराने वाले पैकेज को सब हटा दिया और नए वाले पैकेजेस का पीडीएफ डाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ चैनल्स एंड ब्रॉडकास्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे अलाकार्ट के डीआरपी के लिए यहाँ पे उन्होंने प्रेस करेंगे आप क्लिक हियर तो आपको पीडीएफ आएगी, ब्रॉडकास्टर की भी पीडीएफ आपको मिलेगी और एफटीए बोके प्लान्स की भी आपको यहाँ पे ये मिलेगी पीडीएफ मिलेगी। तो इस तरह से ये उन्होंने यहाँ पे पीडीएफ डाले, उसके बाद उन्होंने कुछ नीचे डिटेल्स दिए कि आपको कितना चार्ज लगेगा, कितना आपको जीएसटी लगेगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे एयरटेल ने डाला है। उसके बाद आप देख सकते हो टोल फ्री नंबर ऑफ कस्टमर केयर सेंटर अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने डाला है तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको पैकेजेस में चेंजेस करना है दोस्तों तो यहाँ पे उन्होंने लॉग इन सब्सक्राइबर कॉर्नर का भी ऑप्शन दिया है, तो इस पर जाके आप सीधा लॉग इन भी कर सकते हो। तो अभी इस पर प्रेस करने के बाद लॉग इन के आप सीधा लॉग इन के अंदर पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि टाटा स्काई के पैकेजेस अभी चेंज हुए हैं, तो मेरा भी यहाँ पे मैंने जो टाटा स्काई का पैकेज बना के सबमिट किया तो वो मेरा भी एक्टिवेट हुआ है। तो अभी वो मुझे अगर देखना है दोस्तों तो मैं यहाँ पे लॉगिन में जाने के बाद अभी मैं यहाँ पे माय अकाउंट में जाता हूँ और आपको बताता हूँ मैंने मेरा जो पैकेज है वो किस तरह से चेंज हुआ है, क्योंकि ये साइट काफ़ी हैंग हो रहा है दोस्तों। आप देखिए देख रहे हो इस तरह से ओपन होने में कितना टाइम लग रहा हो, आप देख सकते हो मैं सारे साइट को जाने की कोशिश कर रहा हूँ लॉगिन में लेकिन वो बक्स आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी स्लो चल रहे हैं सबकी साइट। तो ये उसको अभी क्या है उसमें ट्रैफिक ज़्यादा आने के कारण सब लोग आप ही ढूंढ रहे होंगे दोस्तों, सब कस्टमर इस पर साइट पे जाके ढूंढ रहे होंगे पैकेज, उसके कारण यहाँ पे बग्स देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने पहले ही अपडेट आप में आपको बताया कि आपका सब डिटेल्स कंपनी के साइट यहाँ पे हैंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने मेरे से जिस तरह से अपडेट मिला कि टाटा स्काई का मेरा पैकेज एक्टिवेट हो चुका है और अभी टाटा स्काई ने वहाँ पे मॉडिफाई करने के भी ऑप्शन दिए, आपको अलग अलग पैकेजेस को चैनल्स को ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो और आपको कुछ ड्रॉप करना है चैनल तो भी आप
ड्रॉप कर सकते हो। ये अपडेट टाटा स्काई की तरफ से आया है। तो अभी मैं नया वाला जो इंटरफेस आया टाटा स्काई का उसके बारे में दोस्तों मैं आपको अपडेट दूंगा। जैसे कि साइट अच्छी तरह से चलने लगेगी तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि अभी जो फिलहाल टाटा स्काई ने नया वाला इंटरफेस डाला है आपका वो आपको किस तरह से देखने को मिल जाता है। और अभी अभी आपको 1 फरवरी के बाद अगर आपका पैकेज में कुछ बदलाव करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो इसकी भी सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज के दिन की बात करेंगे तो सारे डिटेल्स कंपनी अपने पुराने वाले पैकेज को हटा दिया दोस्तों। और टाटा स्काई की बात करें तो टाटा स्काई ने अपने सारे कस्टमर ने जो पैकेजेस सबमिट किए थे वो उन्होंने लागू करके दिए सारे कस्टमर के लिए। और जो जिन लोगों के टाटा स्काई के पैकेजेस अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए नए वाले पैकेजेस उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपना पैकेज उसको फिर से चुनिए। अभी आप जाएंगे तो टाटा स्काई के साइट में तो वहाँ से आप अपना पैकेज उसको फिर से भी चुन सकते हो। एक बार आप फिर से चुनने के बाद आपका तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद अभी तक नहीं होता है दोस्तों एक्टिवेट तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके बता सकते हो और उनसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों सारे अपडेट मैंने आपको बताया कि आज के दिन में क्या क्या अपडेट मिले हुए ये DTS के ये नियम आने के बाद इसमें DTS कंपनी में क्या क्या बदलाव हुए तो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आने वाली वीडियोज में भी दोस्तों मैं आपको मेरा पैकेज किस तरह से चेंज हुआ है और एयरटेल का हो टाटा स्काई का हो या DStv का हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए आने वाली वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स देने वाला हूँ। तो आज के दिन के लिए यही अपडेट आए थे सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है दोस्तों। उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिल पाई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो लाइक जरूर कीजिए। आपके सवाल जवाब मुझे लिख के जरूर बताइए। और एयरटेल वालों को एक सवाल है मुझे दोस्तों बार बार पूछ रहे कि उनका जो बारकोड है उसका मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मैं कुछ एक वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा वेट करिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहा है कि उनका जो बारकोड आ रहा है टीवी पे चैनल सिलेक्ट करने के बाद सेंड करने के लिए वो सेंड नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं कुछ देख के मैं आपको आगे इसका जो सोल्यूशन होगा मैं आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अभी तक दोस्तों अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सर से और अच्छे वीडियो लेटेस्ट वीडियो में आपको हमेशा नई कोशिश जरूर करता होता हूँ। मैं वैभव आपको मिलता हूँ किसी नए नए वीडियो में नए अपडेट साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।